स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे चैप्टर हमारा चल रहा था, उसका अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। इससे संबंधित मैंने सवाल करवाए थे, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर ये टॉपिक हमें नहीं करवाया है, तो आज इसको देख लेते हैं। तो देखिए कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश है Q0, उस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस आवेश पर बल तो लगेगा इधर F = Q0 × E, आवेश पर प्लस आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, और इस Q0 आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में dr विस्थापन देते हुए इधर लेके आ रहे विपरीत दिशा, इस Q0 आवेश। तो अल्पांश विस्थापन दिया हमने dr, तो किया गया कार्य कितना होगा dw, ठीक है। तो वही किया गया कार्य की बात करेंगे कि हमने विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में तो इसी परीक्षण आवेश को अल्पांश विस्थापन तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो dw बराबर कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, तो F. आपके पास आ जाएगा dr, जिसको हम लिख सकते हैं dw बराबर F. dr cos θ। कैसा गुणा है ये, दो सदिशों का अदिश गुणा है तो cos θ। यहां पर थीटा देखिए, F तो इधर लग रहा है और विस्थापन इधर है, तो दोनों के बीच कोण कितना है 180, तो cos 180 आपके पास आ जाएगा -1, तो dw बराबर आपके पास आ जाएगा F. dr cos 180। तो इसको हम लिख देंगे dw बराबर -F. dr। किया गया कार्य से हम विभव निकालेंगे, तो विभव आ जाएगा आपके पास dv बराबर होता है dw/Q0, क्योंकि अल्पांश कार्य है तो विभव भी अल्पांश उत्पन्न होगा। वैसे तो फॉर्मूला होता है v = w/Q0, अगर ये अल्पांश कार्य है तो विभव है जो आपके पास विभव है वो भी अल्पांश होगा। dw का मान यहां से रख दो, ठीक है, और f का मान भी रख दो, f का मान क्या है Q0E, तो dv बराबर फिर से ये रख देता हूं मैं -F. dr/Q0, f का मान रख दीजिए, तो dv बराबर आ जाएगा -Q0E × dr/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, तो dv बराबर आ जाएगा -E. dr, ठीक है। और अगर अपने ज्यादा विस्थापन देना है समाकलन कर देते हैं तो क्या आ जाता है, इसका समाकलन करें तो आपके पास आ जाएगा, इसका समाकलन करें तो v आ जाएगा v = −∫E·dr, और इसका उपयोग हम कर ही रहे लगातार, लेकिन इससे आगे अपन इसमें ले जाए तो आपके पास आ जाएगा e के रूप में लिखे तो e − dv/dr, वेक्टर रूप में लिखे तो इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में तो ई सदिश बराबर आ जाएगा −dv/dr r। ये आ गया ई और वी में संबंध, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो आपका e = यहाँ पे जो d(dr) आया है इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बेटे इसको, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, एक संकारक है ये डेल सिंबल है, ठीक है, और इसका मान होता है देखो d(dr) का मान या फिर डेल का मान यहां से होता है del(dx i) + del(dy j) + del(dz k), ये अपन ने 11 में पढ़ा है d(dr), जब r की वैल्यू क्या होती है, r वेक्टर की वैल्यू होती है x i, y j और z k, और जब इसका अवकलन कर देंगे d(dr), ठीक है, तो ये आ जाएगा del(dx, del(dy, del(z), कब, जब r का मान ये, ठीक है। इसका मतलब ये जो समीकरण है इसमें del(dr) को हम डेल लिख सकते हैं, तो नया समीकरण आ जाता है e = −del, किसको लिख दिया डेल, d(dr) into v
बोलो नहीं क्या, और डेल को क्या लिख सकते हैं, डेल को ये लिख सकते हैं, तो नया सूत्र आ जाएगा ई बराबर माइनस डेल ऑफ डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ऑफ डेल वाई जे कैप प्लस डेल ऑफ डेल जेड के कैप और इंटू बी। और इससे संबंधित न्यूमेरिकल, इससे संबंधित न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे आपको, ठीक है। तो ये है आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, ये भी हमने उपयोग में लिया है, और ये जो है इसको इस तरह से लिखा है। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि ये डेल क्या है, डेल एक सिंबल है, संकारक है जिसका मान ये होता है, याद कर लेना बस, उससे इस तरह से इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कोई अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।